गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। तो अब हो गई है सुबह, मॉर्निंग, और आज हम जा रहे हैं पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल। तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा के फिर पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल के लिए निकलेंगे। और पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल कहाँ है, किधर है, उसका आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। और पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल कितना पावरफुल है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो चलो मैं नहा के और फिर चलते हैं पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल। जय श्री कृष्णा। तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल। और यहाँ पे कालू भी तैयार हो चुका है, देख सकते हो। तो आज हम जा रहे हैं पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल और दिखाते हैं वहाँ का टेम्पल कैसा है कैसा नहीं है। तो चलो चलते हैं पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल को। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैंने कैप नहीं लगाया है। तो आप बताइएगा जरूर मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही हूँ। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, और सुबह सुबह बहुत सा ट्रैफिक हो जाता है। तो मैंने आज कैप नहीं लगाया है, मैंने सोचा आज मैं वैसे ही जाऊंगी। और वैसे भी टेम्पल में जा रहे तो यार कैप तो नहीं लगा सकते हैं, और मैंने ड्रेस भी दूसरा पहना है तो उस पर तो बिल्कुल भी कैप अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ और आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, क्योंकि इतना ठंडा मौसम हो रखा है तो चलो अच्छा लग रहा है। और धूप नहीं है तो और भी अच्छी बात है, कहते हैं ना सोने पे सुहागा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगा, और मैं अधिकतर घूमने का वीडियो डालती हूँ, ज्यादा वीडियोस नहीं डालती हूँ मैं। कहाँ भगवानों को ज्यादा ना टेम्पल में जाना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आ चुकी हूँ जुबली हिल्स के थोड़ा पहले, हाईटेक सिटी होकर हम जा रहे हैं। और माता रानी का टेम्पल है जुबली हिल्स में है, तो वहाँ पे अगर आप लोग कभी हैदराबाद आते हो तो जरूर पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल जाइएगा। बहुत पावरफुल है माता रानी और बहुत शक्तिशाली हैं। मैं बहुत बार जा चुकी हूँ वहाँ पे, तो वैसे भी हम लोग राजस्थान जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार माता रानी के दर्शन कर लिए जाए। क्योंकि वहाँ जाने से मैं जब राजस्थान जाऊंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे वहाँ पे, तो पता नहीं फिर मैं कब आऊंगी कब नहीं आऊंगी, कुछ पता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल जाके माता रानी के दर्शन करके आए। तो फिर हम यहाँ से आज निकल चुके, क्योंकि आज मेरी छुट्टी भी है, तो बोलते ना एक ही दिन रहता मेरे पास में। तो आज मैंने सोचा आज माता रानी के दर्शन करके आएंगे और उसके बाद में घर का जो भी काम होगा करेंगे। तो फिर हमने उठ के नहा के और निकल चुके थे वहां माता रानी के लिए, फिर बाकी काम सारा बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हम मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ से होकर ही हम जाएंगे माता रानी के टेम्पल में। अभी ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर है। तो अगर आप कभी हैदराबाद आते हो तो एक बार जरूर पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल आइएगा, वो कितना पावरफुल है आप खुद देख के आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो हम ऑलमोस्ट माता रानी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री गेट होता है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री गेट है, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा भी है श्री पैद्दम्मा तल्ली टेम्पल। तो यहाँ जुबली हिल्स में है माता रानी का मंदिर। तो अगर आप हैदराबाद में रहते हो तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा। अगर आप अदर कंट्री से देख रहे हो तो अगर कभी आप घूमने के लिए यहाँ पे आते हो तो आप जरूर यहाँ पे आइएगा, बहुत अच्छा लगता है और बहुत पावरफुल है माता रानी। क्योंकि मुझे पहले नहीं मालूम था तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। यहाँ देख सकते हो माता रानी का मेन गेट आ चुका है और जो मंदिर आगे आपको दिख रहा है वही माता रानी का टेम्पल है। तो यहाँ से देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है, ये देखिए कितना प्यारा है और कितना सुंदर है, और कितनी मतलब बाहर कितनी भीड़ है यहाँ देख सकते हो आप। मतलब अदर टाइम भी हम आते हैं तो भी कितनी भीड़ होती है। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे त्रिशूल वगैरह है माता रानी के। तो आप लोग अगर कभी आते हो यहाँ पे तो कार पार्किंग और बाइक पार्किंग की वहाँ पार्किंग कर सकते हैं,
उसके बाद में आपको जो भी प्रसाद चाहिए तो आप यहाँ पे साइड में है प्रसाद का बना हुआ है, तो यहाँ पे जो नारियल लेना चाहते हो और चुनरी वगैरह माता रानी की, तो वो सब यहाँ साइड में मिलेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो सब लोग ले रहे हैं, यहाँ पे कितना भीड़ लग रहा है। तो यहाँ पे आपको नारियल, कपूर, चुनरी वगैरह, प्रसाद माता का यहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो कितनी भीड़ है और यहाँ पे लाइन से दुकानें बनी हुई है, तो यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो। सब लोग यहाँ पे ना आवाज लगाते रहते हैं आने के लिए कि यहाँ पे ले लो, तो वहाँ पे आप ले सकते हो, कोई भी दुकान पे ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने नारियल ले लिया है माता रानी के लिए, और जो मेन टेम्पल है वहाँ पे नारियल हम नहीं बदा सकते हैं, तो यहाँ साइड में बना हुआ है माता रानी का नारियल बदाने का। तो यहाँ देख सकते हो आप बहुत सारे लोग यहाँ पे नारियल बदा रहे हैं, तो यहाँ पे अब आके और पहले नारियल को आप यहाँ पे बदाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कालू नारियल बदा रहा है, ये देखिए। और नारियल बदाने के बाद में एक पीस यहीं पे रखना, एक अपने घर को लेके आ सकते हैं, आपका मर्जी है। तो ये प्रसाद यहीं पे जो नारियल हम लिए थे तो यहीं पे चढ़ाना है। अंदर जाके तो हमें खाली दर्शन करना होता है, ये देखिए यहाँ पे है माता रानी भी। तो यहाँ हमने नारियल बधा के और उसके बाद में हम यहाँ निकल चुके हैं, और यहाँ पे जब पांव धोने पड़ते हैं अपने हाथ और पांव, जब हम मंदिर में जाते हैं उससे पहले यहाँ पे हाथ और पांव धो के उसके बाद में हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे साइड में नल लगा हुआ है बहुत सारे, देख सकते हो यहाँ पे हाथ पांव धो रहे हैं। तो आप भी कभी आते हो तो यहाँ पे हाथ पांव धो लीजिएगा और उसके बाद में वहां से एंट्री होगा, आप देख सकते हो मंदिर में। तो मैंने अपने पांव यहाँ धो रही हूँ, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पांव धोने के बाद में फिर हम जाएंगे अंदर। और यहाँ बाहर का लोकेशन भी आप देख सकते हो कितना बड़ा है, आप अच्छे से घूम सकते हो और यहाँ पे आराम भी कर सकते हो, बहुत सारे पेड़ और पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आते हो तो यहाँ पे आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो, बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। तो यहाँ माता रानी देख सकते हो यहाँ पे है, जो हमारा एंट्री गेट है वहाँ पे, यहाँ गन्नू बैठे हैं और यहाँ पे माता रानी है। और मेन टेम्पल जो अंदर है माता रानी का वो अंदर है, यहाँ बाकी सब लोग देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है। और हमने ना नॉर्मल डेज में आए हैं, नॉर्मल डेज में भी इतनी भीड़ है तो नवरात्रि पे कितनी भीड़ होगी सोचिए। उससे पहले जब मैं आई थी तब बहुत भीड़ थी और अभी तो इतना नहीं है, चलो ठीक ही है। तो यहाँ पे हमने, और जितने लोग यहाँ देख सकते हो कितने लोग अपने पैसे खड़े कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी पैसे क्यों खड़े कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ निकलने के बाद में माता रानी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो वो कुछ मटकी वगैरह लेके आई हैं, उनकी कुछ मन्नत वगैरह थी, तो वो लोग भी मतलब पूरे पर कंबा लगाएंगे माता रानी का जो मंदिर है ना उसके जो सर के ऊपर जो मटकी है ना उसको लेके पूरा मंदिर को परकंबा लगाते हैं। तो हम भी लाइन में लग चुके हैं, यहाँ देख सकते हो एक और टेम्पल बना हुआ है और इसके बाजू में से हम जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो बहुत सारे लोग, यही है मेन टेम्पल जो दिख रहा है आप लोगों को, वो माता पद्मा तल्ली का टेम्पल है, ये देख सकते हो। तो यहाँ से बाहर से हमें कैमरा अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन ये मैंने बाहर से बनाया जो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ये देखिए जी, ये पैदम्मा तल्ली माता का टेम्पल है और जो माता वो माता रानी है। तो ये वीडियो ना देख सकते हो आप कितनी दूर से बनाए हम लोगों ने। और ये जहाँ पे पैसे खड़े कर रहे हैं इनका है कि आपकी कुछ जो विश होती है ना वो आप बोलकर ये पैसा यहाँ पे खड़ा करना होता है। तो यहाँ देख सकते हो कितने सारे लोग पैसा खड़ा कर रहे हैं, देखिए कॉइन्स पूरा खड़ा कर रहे हैं, जिनकी कोई की भी जो विश होती है ना वो विश करे तो यहाँ पे वो कॉइन खड़ा करते हैं, जिसका कॉइन खड़ा हो जाता है ना उसकी विश पूरी हो जाती है। तो मैंने अपना कॉइन्स खड़ा कर दिया है, यहाँ देख सकते हो ये मेरा जो है वो कॉइन्स ये है वाला है, ये वाला जो मैंने अपना कॉइन्स खड़ा किया जो विश मांगी थी वो मेरा कॉइन्स खड़ा हो गया। एक एक लोग का नहीं भी होता है, जैसे कालू ने कॉइन्स खड़ा किया था तो उसका बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो जो विश मांगते हैं और वो पूरी होती है ना तो कॉइन्स खड़ा हो जाता है, अगर विश पूरी नहीं होती तो कॉइन्स बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हो कितने सारे लोग अपना अपना कॉइन्स खड़ा कर रहे थे। उसके बाद में हम यहाँ निकल गए प्रसाद के लिए, तो साइड में बना हुआ है ये देख सकते हो, इसमें हम प्रसाद लेंगे लेकिन अभी नहीं लेंगे, पहले हम दूसरे टेम्पल को भी जाएंगे। और यहाँ पे जो देख सकते हो
जो साड़ियाँ सेल कर रहे हैं, देख सकते हो, जो माता रानी को हम साड़ियाँ पहनाते हैं ना, वो साड़ी यहाँ पे सेल की जा रही है। तो उनके अलग अलग प्राइस हैं, जिसको चाहिए तो वो ले जा सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए माता पैदम्मा तल्ली है, तो यहाँ पे जो साड़ी बिक रही है वो माता को पहनाई हुई है। उसके बाद में हमने नाग देवता के मंदिर में जा रहे हैं, जो यहाँ देख सकते हो ये नाग देवता है। क्योंकि मैं जितना वीडियो बना रही हूँ बाहर से ही बना रही हूँ, अंदर अलाउड नहीं करते है ना कैमरा, तो मैं जो भी बाहर से ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ कालू चला गया है, उसके बाद में हमने दर्शन करके नाग देवता का, उसके बाद में हम निकल चुके हैं सरस्वती माता और गन्नू भगवान के दर्शन करने के लिए, जो ऊपर टेम्पल बना हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो मैं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, जब मैं कैमरा लेके गई तो कैमरा अलाउड नहीं किया, तो मेरा कैमरा यहीं पे बंद करवा दिया। यहाँ देख सकते हो मंदिर में मैं बाहर से ही बनाया, उसके बाद में नहीं बनाने दिया। फिर हम आ गए प्रसाद लेने के लिए यहाँ से। यहाँ पे जो पैसे में आपको मिल जाएगा प्रसाद, फ्री प्रसाद नहीं मिलेगा, पैसे देके प्रसाद ले सकते हो। तो हमने लड्डू लिया था, और ये देखिए कबूतर भी खा रहा है लड्डू। फिर यहाँ पे जो प्रसाद गिरा हुआ था, तो जो जानवर होते हैं वो खा लेते हैं। और उसके बाद में बाहर का लोकेशन है, देखिए कितना ये जो है माता रानी का त्रिशूल वगैरह है, और कितना बड़ा है यहाँ पे देखिए टेम्पल कितना बड़ा है। और यहाँ आने के बाद में मन भी नहीं करेगा घर जाने का, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी बात यह है कि आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, ये गौ माता है जो बछड़े को दूध पिला रही है, देखिए ये देख सकते हो। उसके बाद में हमने क्या किया कि थोड़ा चलो इनको ना रील का बहुत शौक है, तो इन्होंने अपना रील वगैरह बनाए, देखिए ये कितने उतावले हो रहे रील बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पे जो ये माता रानी का देख सकते हो टेम्पल है, कितना अच्छा दिख रहा है बाहर से भी, यहाँ पे एक दो रील निकाला इनके लिए, और देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है टेम्पल। तो मेरा बोलना यही है, अगर आप हैदराबाद में रहते हो तो जरूर जाइएगा पैदम्मा तल्ली टेम्पल को, आप लोगों को अच्छा लगेगा और शांति भी मिलती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो हम दर्शन करने के बाद में अपने घर आ चुके हैं। तो आप लोगों को आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, जय श्री कृष्ण।